टीम इंडिया आपको फिलहाल वेस्टइंडीज के दौरे पर नजर आ रही है। अब तीन ओडीआई सीरीज खेलने के बाद पांच और टी20 मैच का सीरीज होगा इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच। इसके बाद इंडिया की टीम जाएगी आयरलैंड के दौरे पे और ये खबर जुड़ी है इसी सीरीज के साथ जो आयरलैंड के साथ होने वाली है। जो तीन टी20 आयरलैंड के साथ इंडिया खेलेगा इसमें आपको नया कैप्टन मिलेगा, टी20 का नया कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, टी20 का नया कैप्टन इंडिया चुन रही है। अब वो कौन होगा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों आयरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच तीन टी20 होने वाले हैं। अभी फिलहाल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज तीन मुकाबले खेलने बाकी है, उसके बाद जाएगी इंडिया की टीम आयरलैंड खेलने के लिए। लेकिन जो आयरलैंड के साथ टीम खेलेगी वो इंडिया की मेन टीम नहीं होगी, वो इंडिया की ए टीम होगी, यानी कि युवा खिलाड़ी उधर जाएंगे खेलने के लिए। तो मेन प्लेयर्स नहीं रहेंगे, ना रोहित शर्मा रहेगा, ना शुभमन गिल रहेगा, ना हार्दिक पांड्या रहेंगे, ना विराट कोहली रहेगा, ना संजू सैमसन रहेगा। बारी आती है यहाँ पर कप्तान की, तो कप्तान कौन बनेगा आखिर युवा टीम की, वो है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह कप्तान बनेंगे नए टी20 सीरीज जो होने वाली है आयरलैंड के खिलाफ इंडिया की, इसमें जसप्रीत बुमराह कप्तानी संभालेंगे। जसप्रीत बुमराह को इसलिए कप्तान बनाया गया है, इसलिए मौका दिया जा रहा है क्योंकि एशिया कप आने वाला है और एशिया कप के लिए इसे प्रैक्टिस भी चाहिए। तो इन तीन टी20 में अच्छे खासी प्रैक्टिस हो जाएगी जसप्रीत बुमराह की और वो खेलने लायक होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है ये एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बता।